हेलो फ्रेंड्स, इन अवर प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट मेल एंड फीमेल हेड ऑफ फ्यूनोरियमास। इन प्रेजेंट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इज अ डिपेंडेंट जनरेशन और स्टेज डिपेंड्स अपॉन द गैमेटोफाइट। चूंकि ये एक आत्मनिर्भर स्टेज नहीं है, ये गैमेटोफाइट पीढ़ी पर आश्रित रहती है। जैसा कि आपने बताया था कि फ्यूनरिया में पीढ़ी एकांतरण पाया था, मीन्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया, इस गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट के बाद पुनः गैमेटोफाइट पीढ़ी आती है। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। इन प्रीवियस वीडियो बी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट अ लिटिल बिट। ये फूट है विच इज एम्बेडेड इन वेंट्रल, दिस इज सीटा पार्ट एंड दिस इज कैप्सूल पार्ट। सो स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ फूट, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल इज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। टुडे वी विल talk about the structure of capsule. Capsule consists of mainly three part which is seen or visible outside. Fourth part is very important but bahar se dikhai nahi deta. Ye apophysis, theca, operculum and peristomium. To apophysis ek ek karke hum aapko explain karte hain। इसमें सिर्फ हम कैप्सूल की बात करेंगे, फूट और सीटा का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि इसके पहले हम बता चुके हैं। तो कैप्सूल का जो स्टॉक से जुड़ा हुआ सीटा जुड़ा हुआ भाग होता है वो पेरिकाइमेटस सेल्स का बना होता है। और पेरिकाइमेटस सेल्स तो पूरे कैप्सूल में ही पाई जाती हैं, लेकिन इसमें कहीं भी चूंकि कंडक्टिव टिश्यू नहीं पाए जाते, ट्रू कंडक्टिव टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, सो ये पेरिकाइमेटस सेल्स एक्ट एज अ कंडक्टिव टिश्यू। ये जो सेल्स होती हैं इन्हें हम एसीमिलिट्री सेल्स कहते हैं, विच इज ग्रीन इन कलर एंड फोटोसिंथेटिक इन नेचर। इसकी जो एपिडर्मल लेयर होती है उसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। और ये सेल्स एसीमिलिट्री होती हैं, मींस फोटोसिंथेसिस में भाग लेती है। और जितने पार्ट में ये स्टोमेटा पाए जाते हैं उतने पार्ट को हम एपोफाइसिस कहते हैं, मींस इन एपोफाइसिस एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ स्टोमेटा एंड इनर पार्ट एसिमिलेटरी सेल्स विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विच इज ग्रीन इन कलर। और इसके बीच में एक मिडर जैसी रचना होती है जो मेन रूप से कंडक्शन का कार्य करती है। ये पेरिकाइमेटस नेचर होती है, पेरिकाइमेटस सेल की बनी होती है और ये वही काम करती है जो कंडक्ट टिश्यू करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एपोफाइसिस पार्ट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट थीका पार्ट। थीका पार्ट में भी जो सेल्स होती हैं वो एपिडर्मल सेल्स, और इसके बीच में एक सैक होता है, इसको स्पोर सैक कहते हैं, जिसके अंदर स्पोर मदर सेल्स बनती हैं। तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, बीच में ये जो भाग है ये थोड़ा सा ब्रॉडन होता है, चौड़ा हो जाता है, अब इसे हम कॉलुमेला कहते हैं। कॉलुमेला इज ऑल्सो मेडअप ऑफ पेरिकाइमेटस टिश्यूज। तो इस कॉलुमेला को घेरने वाली लेयर्स दो होती हैं, ये आउटर लेयर है
और ये इनर लेयर है। जो इनर लेयर है वो कॉलमुला से अटैच होती है और सिंगल लेयर होती है, बट जो लेयर आउटर लेयर होती है वो डबल और ट्रिपल भी हो सकती है। ये आउटर लेयर एंड दिस इज इनर लेयर, और इसके बाहर पेरेंट काइमेटस सेल्स की एक कॉर्ड्स होती है जो आउटर वॉल को एपिडर्मस से जोड़ती है, और जिससे बहुत सारे गैप बन जाते हैं जिन्हें हम एयर कैविटीज कहते हैं। तो थीका पार्ट में एयर कैविटीज पाई जाती हैं, स्पोर्ट सैक होता है, और इसके अंदर जो खाली स्थान है बीच में इसमें स्पोर मदर सेल्स पाई जाती है। स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस डिवीजन होता बाद में और ये लिड हटा करके ये बाहर निकल जाते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स, तो इसमें स्पोर सेल्स पाए जाते हैं। अब इसके बाद इसका तीसरा पार्ट जिसे अपर कोलम कहते हैं, ये अपर कोलम एक लिड की तरह कार्य करता है और इस लिड के हटने से ही ये स्पोर्स बाहर निकलते हैं। अब इसमें ये चौथा पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पेरिस्टोमियम। ये क्या करता है इसको जरा देखें, एक ये पेरिस्टोमियम दो रिंग्स का बना होता है, आउटर रिंग एंड इनर रिंग, और दोनों रिंग में पेरिस्टोमियल टीथ पाए जाते हैं। तो जो पेरिस्टोमियल टीथ है वो दो रिंग्स में, आउटर रिंग एंड इनर रिंग, आउटर रिंग हो या इनर रिंग दोनों में ही 16 टीथ होते हैं। और फर्कता है जो आउटर रो होते हैं उसके टीथ लॉन्ग होते हैं और इनर रिंग के टीथ स्मॉल होते हैं। और दूसरा अंतर क्या है कि ये जो आउटर रिंग वाले टीथ हैं वो रेड इन कलर होते हैं, जबकि जो अंदर वाले स्मॉल टीथ होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। और अब हम इस टीथ को यदि एक अलग से यहां बनाएं तो ये इस तरह से बना होता है, इसमें ओब्लिक लाइनिंग होती है हाइग्रोस्कोपिक टिश्यू की। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि दे विल कैप्चर द वाटर, वाटर को वो कैप्चर कर सकते हैं, उन्हें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। तो ये करते क्या है कि जैसे ये तो पहले बताया था हमने कि फ्यूनेरिया में वाटर मस्ट है, बिना वाटर के रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता, इसलिए हमेशा पानी के आसपास ही उगते मौजूद रही है, चाहे वो स्पर्म को स्विम करने के लिए हो या डिस्पर्सल ऑफ कैप्सूल के लिए हो, सबके लिए वाटर इज नेसेसरी। तो इन दिस केस जैसे ही ये टीथ जो स्टोमल टीथ हैं वाटर को एब्जॉर्व करेंगे तो ये इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, इस तरह से ये आगे को बढ़ेंगे, और जब ये बढ़ जाएंगे इसके बाद दे लूज वाटर, वाटर को छोड़ेंगे तो वो पुनः स्ट्रेच होंगे, सिकुड़ेंगे। तो इस स्टेप के साथ एक स्पोर्ट्स को भी साथ ले जाते हैं और लिड से स्पोर्ट को बाहर निकाल देते हैं। सो ये जो स्टोमल टीथ है ये स्पोर्ट्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। सो दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कम आउट द स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स को बाहर निकालने में ये बहुत मदद करते हैं। अब ये जो स्पोरोफाइट है वो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, और इसके बाद जो स्पोर्ट्स बनते हैं वो भी अब उसमें जो स्पोर मदर सेल्स हैं उनमें मियोसिस होगा, स्पोर मदर सेल्स अंडर गो द मियोसिस डिवीजन विच इज द रिडक्शन डिवीजन एंड टू फॉर्म द हैप्लॉइड स्पोर। हैप्लॉइड स्पोर बनाता है और जो हैप्लॉइड स्पोर हैं दे विल गिव राइज अ गैमेटोफाइट जनरेशन। सो वी कैन से वन जनरेशन स्टार्ट आफ्टर द अदर जनरेशन, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आती है, और इस प्रकार के जनरेशन को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। गैमेटोफाइट पीढ़ी कैसी थी, हैप्लॉइड थी, और उससे फिर
डिप्लोइड स्पोर भाई टूटा और डिप्लोइड स्पोर से फिर हैप्लॉइड स्पोर बने और हैप्लॉइड स्पोर से पुनः हैप्लॉइड गैमेट भाई टूटा। सो दिस इज अल्टरनेशन ऑफ जेनेसिस। सो दिस इज, अब इसमें एक चीज और हम आपको एक्सप्लेन करना भूल गए कि ये जो सेल्स होती हैं ये एसिमेट्री सेल्स हैं और ग्रीन होती है फोटोसिंथेसिस से भाग लेती है, लेकिन जो सेल्स थीटा पार्ट में पाई जाती हैं वो नॉन एसिमेट्री सेल्स होती हैं, अर्थात दे विल नॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। और ये बड़ा वाला टीथ की रिंग होती है 16 की, वो आउटर रिंग कहलाती है, और छोटे वाला टीथ की जो रिंग होती है इनर रिंग ऑफ स्मॉल टीथ कहलाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट। थैंक्स।